भारत में सस्ते हैंडसेट की जंग में 2014 में Asus का बड़ा योगदान रहा। इसमें Zenfone 4, 5 और 6 जैसे लोकप्रिय फोन की अहम भूमिका रही थी। इसके बाद कंपनी ने अलग अलग रणनीति अपनाई, अलग अलग सेगमेंट के लिए मॉडल उतारे गए, लेकिन कंपनी उस लोकप्रियता को फिर से हासिल नहीं कर पाई। अब Asus ने कुछ नया करने की कोशिश की है। इस बार Asus ने एक ऐसी रणनीति को अपनाया है जो अब तक बाकी कंपनियों के लिए सफल साबित हुई है। नए Zenfone Max Pro M1 को खासकर भारत के लिए कस्टमाइज और डेवलप किया गया है, यानी यूजर को कम दाम में ढेर सारे फीचर मिलेंगे। हमने इस हैंडसेट के साथ कुछ वक्त बिताया है, अब हम आपको इसकी कमियों और खासियतों के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहली बात, यह दिखने में खूबसूरत हैंडसेट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और मेटल बैक प्लेट दिया गया है। पिछले हिस्से पर कैमरा मॉड्यूल भी उभार वाला नहीं है। हालांकि 8.61 मिलीमीटर की मोटाई के साथ यह फोन थोड़ा बल्की है, 180 ग्राम के वजन को वजनदार ही माना जाएगा। आप सिर्फ एक अंगूठे से स्क्रीन के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकेंगे। रियर हिस्सा हाथों में फिसलता नहीं है, लेकिन इस पर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं। ज्यादा मोटाई और वजनदार होने की वजह है 5000 mAh की बैटरी, जो इस फोन की अहम खासियतों में से एक है। आपको बेहद ही पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर मिलता है। मैक्स प्रो M1 के दो वेरिएंट हैं, 3GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। दाईं तरफ डुअल सिम ट्रे है और माइक्रो एसडी कार्ड के लिए अलग स्लॉट है। आप 2TB तक का माइक्रो एसडी कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। एक वक्त पर आप एक ही सिम में 4G नेटवर्क का मजा ले पाएंगे, दूसरा 3G स्पीड पर काम करेगा। VoLTE के लिए भी सपोर्ट मौजूद है। आपको 5.99 इंच की 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन मिलती है। किनारे घुमावदार हैं और बॉर्डर भी काफी पतले हैं। बाहर में इस्तेमाल करने के लिए डिस्प्ले पर्याप्त तौर पर ब्राइट है और कलर्स भी काफी वाइब्रेंट हैं। व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छे हैं। नाइट मोड के अलावा मैनुअल कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का भी विकल्प है। चौंकाने वाली बात है कि Zenfone Max Pro M1 में Asus ने Zen UI नहीं दिया है। आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा। कुछ अनचाहे ऐप अब भी हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। एंड्रॉइड फैन को यह खासा पसंद आएगा। हमें भी कम अनचाहे ऐप देखकर खुशी हुई। Asus का वादा है कि भविष्य में इस फोन में फेस रिकॉग्निशन फीचर आएगा, लेकिन हमारे रिव्यू यूनिट में यह नहीं था। निचले हिस्से पर दिए गए एक स्पीकर से काफी ऊंची आवाज आ सकती है, लेकिन सर्वाधिक वॉल्यूम पर म्यूजिक की क्वालिटी को खासा नुकसान होता है। कोई हेडसेट नहीं मिलेगा, लेकिन Asus ने एक कार्डबोर्ड स्टैंड दिया है जिसे मैक्स बॉक्स का नाम मिला है। यह साउंड को रीडायरेक्ट करने का काम करता है। इसका असर बहुत बड़ा नहीं है और आप इसका इस्तेमाल लैंडस्केप मोड में वीडियो देखने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन यह एक्सेसरी काम की है। वीडियो स्ट्रीम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, गेम खेलना भी स्मूथ है। कुल मिलाकर यह फोन एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन है। आर्म परफॉर्मेंस भी दमदार है, श्रेय हार्डवेयर को जाएगा। टेस्टिंग के दौरान किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं हुई। स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के कारण बेंचमार्क स्कोर भी काफी अच्छे आए। इस प्राइस सेगमेंट में Asus के इस फोन को Xiaomi के Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro से चुनौती मिलती है। अब बात कैमरा परफॉर्मेंस की। आमतौर पर कम दाम वाले फोन कैमरा डिपार्टमेंट में ही पिछड़ते हैं। Asus ने इस फोन में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है। 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद है। रियर कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, वहीं फ्रंट कैमरे से 1000 पिक्सल तक के वीडियो। दिन की रोशनी में Zenfone Max Pro M1 से ली गई तस्वीरें औसत क्वालिटी की आई। डिटेल और टेक्सचर से हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। डेप्थ मोड ने तो खासा निराश किया। हालांकि कलर्स वाइब्रेंट आए और क्लोजअप शॉट काफी क्रिस्प थे। रात में तो स्थिति और बिगड़ गई। शटर ने काम करने में ज्यादा वक्त लिया। सभी शॉट ज्यादा नॉइज के साथ आए। डिटेल की भी कमी थी और कई शॉट ब्लर हो गए। वीडियो इस्तेमाल करने योग्य हैं, लेकिन फोकस बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है। Asus ने सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कैमरे की क्वालिटी बेहतर करने की बात कही है। वादा है कि अपडेट फोन की सेल से पहले जारी हो जाएगा, लेकिन हम रिव्यू यूनिट की परफॉर्मेंस से निराश हुए। बैटरी लाइफ बेहद ही शानदार है। वीडियो स्ट्रीमिंग और गेम खेलने के बावजूद बैटरी ने आसानी से पूरे दिन हमारा साथ दिया। आपको 10 वाट का चार्जर मिलेगा। इसमें कोई तोमत नहीं कि इस फोन के जरिए Asus की नजर Xiaomi Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro पर है। अब तक कोई भी कंपनी Xiaomi की कम कीमत और दमदार स्पेसिफिकेशन की जुगलबंदी को चुनौती देने में सफल नहीं रही है, लेकिन Asus ने एक मजबूत कोशिश की है। Zenfone Max Pro M1 एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart पर मिलेगा। हमें बताया गया है कि इच्छुक खरीदारों को फ्लैश सेल का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो अच्छी बात है। इस किस्म की परफॉर्मेंस और कीमत को देखते हुए हम यही कहेंगे कि कम बजट के ग्राहकों को अब एक और अच्छा विकल्प मिल गया है। तो यह था Asus Zenfone Max Pro M1 का रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया का और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज पढ़ने के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर लॉगिन करें।